मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार आने के बाद बिजली को लेकर गंभीर समस्या बनकर उभर रही है। इस समस्या से निपटने के लिए कमलनाथ सरकार ने कई अधिकारियों की फेर बदल की तो कहीं नीमच शहर में भी दर्जनों बिजली कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए। बावजूद इसके बिजली गुल होना शहरवासियों का सरदर्द बन गया है। शहर में बिजली कटौती एक बार फिर सुर्खियों में बनी हुई है। कांग्रेस पर भाजपा एक बार फिर हमलावर हो गई। सियासी जंग के बीच शहरवासियों का भी 45 डिग्री तापमान में हाल बेहाल हो चुका है। करीब 4 से 8 घंटों तक बिजली की कटौती की जा रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार विद्युत सप्लाई को लेकर एक्शन मोड में है, लेकिन नतीजा बिजली गुल के रूप में निकल कर सामने आ रहा है। बीते 2 दिनों की अगर बात की जाए तो बस स्टैंड नीमच सिटी बगीचा नंबर 4 और बगीचा नंबर 10 रावण रूंडी सहित कई क्षेत्रों में जमकर बिजली कटौती की जा रही है। भीषण गर्मी में बिजली कटौती होना आक्रोश की वजह बन रहा है। सोशल मीडिया पर भी नीमच कांग्रेस भाजपा नेता कार्यकर्ताओं में बिजली गुल को लेकर युद्ध छिड़ा हुआ है, तो वहीं बिजली अधिकारी इसे तकनीकी खराबी बता रहे हैं। बिजली कटौती को लेकर बगीचा नंबर 10 की रहवासी नूतन कंवर ने कहा कि बिजली कटौती काफी दिनों से हो रही है, लेकिन विगत 4 दिनों से काफी घंटों तक बिजली का कोई अता पता नहीं रहता। पीने के पानी भरने के लिए भी तरस चुके हैं। गर्मी में हाल बेहाल है, उठना बैठना सोना तक दुश्वार हो चुका है। लाइट का कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी लाइट चल जाती है, हमें बहुत परेशानी आती है। और 2-2, 3-3 घंटे कटौती हो रही है लाइट की, हम बहुत परेशान हैं। 3-4 दिन से इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम बैठ भी नहीं पा रहे हैं और ना हम सुबह पानी भर पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं। राजस्व कॉलोनी निवासी अपेक्षा शर्मा ने कहा कि भीषण गर्मी में भी बिजली कटौती के ये हाल है कि नीमच सिटी में पूरे दिन बिजली गुल रहती है। घरों में ठहरना दुश्वार हो चुका है, बाहर चिलचिलाती धूप से बीमारी के हालात बन रहे। सरकार जब से बदली है बिजली के हालात भी बदल गए। हमने पहले बिजली के हालात ऐसे नहीं देखे, अगर ऐसा ही रहा तो शहरवासियों की सबसे बड़ी समस्या बिजली कटौती बन जाएगी। अभी तो गर्मी में लाइट बिल्कुल जानी नहीं चाहिए, लेकिन लाइट जा रही है उससे तो पब्लिक कितना परेशान हो रही है, और पहले कभी नहीं जाती थी। जब से सरकार चेंज होने से पब्लिक को, और हमारे एरिया में कम है बजाय नीमच सिटी में, तो पूरे पूरे दिन गायब हो रही है लाइट। और लाइट की वजह से हम लोग घर में रहना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ये तो सभी का यही मानना और मेरा भी यही मानना है शायद सरकार चेंज होने से, क्योंकि पहले बीजेपी की सरकार में कभी भी हमें लाइट का तो सामना नहीं करना पड़ा। अभी तो कुछ टाइम से सरकार चेंज होने से लाइट ही सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, और इस बार तो गर्मी भी काफ़ी भयंकर पड़ रही है, तो लाइट जानी नहीं चाहिए वैसे। बिजली कटौती को लेकर अधीक्षण यंत्री राजेंद्र नायर ने कहा कि विगत 2 दिनों से बिजली सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिसका मुख्य कारण ट्रांसफार्मर का फेल हो जाना है। बस स्टैंड के पास लगा विद्युत प्लांट में फॉल्ट हुआ है, जिसके चलते ट्रांसफार्मर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब शहरवासियों को बिजली कटौती से परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि बेहतर व्यवस्था उन्हें मुहैया कराई जाएगी। ट्रांसफार्मर भी बदल कर दूसरा लगा दिया गया है, अब 24 घंटे बिजली दी जाएगी। परसों से ईद के दिन बस स्टैंड लगाने में है यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर हमारे जो पावर ट्रांसफार्मर लगे थे उसमें जो ट्रांसफार्मर है दोनों में दिक्कत की समस्या पैदा हुई थी, और उसमें एक पावर ट्रांसफार्मर हमारा फेल हो गया था और दूसरे में भी आयल फेंक दिया था। ऐसी परिस्थिति में हमें उस पावर ट्रांसफार्मर को थोड़ा मेंटेनेंस किया जाना बहुत जरूरी था, साथ ही जो ट्रांसफार्मर जो फेल था उसकी सप्लाई हमने कुछ CRPF के से सप्लाई लेके हमने उसको वो डाइवर्ट किया, इसके कारण करीब 4 घंटे सप्लाई जो यूनिवर्सिटी की और उस क्षेत्र की बंद रही, उसका कारण ये था। बाकी कोई कटौती नहीं की जा रही, परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि वो काम कर किया जाना अति आवश्यक था, और उसको भी आज हमने सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में नया पावर ट्रांसफार्मर लगा के व्यवस्थित काम कर दिए। अब उस एरिया में कोई भी समस्या नहीं होती और किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा रही। अभी जो मेंटेनेंस का जो कार्य जो हमें करना है उसका भी हमने जो टाइम दिया है सुबह 6 से 10 का दिया है, जिससे कि 10 बजे के बाद आम उपभोक्ताओं सभी को विद्युत की सप्लाई निरंतर मिले, और गर्मी को देखते हुए आम उपभोक्ता को भी अच्छी बिजली मिले, साथ ही जो हमारे जो कर्मचारी
जो कार्य करना चाहते हैं, लाइट का जो कार्य करते हैं, उनको भी हम 10 बजे के बाद कार्य करवा नहीं चाहते। बाकी अब विद्युत की समस्या में कोई सर कुल मिला